नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PF न्यूज नेटवर्क। गजब हाल चल रहा है देश में। दो तीन दिन से आप देख रहे होंगे कि गोदी मीडिया कैसे क्या क्या मजेदार आपको चीजें दिखा रहा है। किसी ने आपके प्रधानमंत्री के पैर छू लिए तो उसके अलावा कोई खबर बचती नहीं है। तरह तरह के तमाशे हो रहे हैं। 2000 नोट का बंद का नोट पहले शुरू किया गया, फिर बंद किया गया, फिर प्रधानमंत्री के सचिव ने कह दिया, प्रमुख सचिव ने कह दिया नृपेंद्र मिश्रा जी ने, कि प्रधानमंत्री जी का तो मन ही नहीं था कि 2000 नोट का शुरू हो जाए। मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा नृपेंद्र मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है वो कल्पना भी कर सके कि प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना कोई इतना ताकतवर हो सकता है कि वो 2000 का नोट शुरू कर दे और प्रधानमंत्री का मन ना हो। और आप तमाशा देखिए, किसी मीडिया चैनल पे आप ये मुद्दा उठा उठते हुए देखेंगे भी नहीं। आखिर आपके साथ हो क्या रहा है? ये कहा गया कि 2000 का नोट बंद के प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। तमाम लोग इस बात पे कहने लगे प्रधानमंत्री जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक। लोग बताने लगे कि किसी के पास में 5 करोड़ रुपया है, वो बैंक में जाएगा तो उसका खाते पर नाम लिखा जाएगा, नंबर लिखा जाएगा, फोटो लगाने पड़ेंगे, पता चल जाएगा कि किसके पास कितना रुपया था। तब तक पता चला कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। आपके पास 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, बस इतना है कि एक बार में 10 नोट बदले जाएंगे। तो आप एक ही व्यक्ति की ड्यूटी लगा दीजिए, हर 15 मिनट में वो 10 नोट लेके जाएगा और बैंक में बदल सकता है। उसका कोई आधार कार्ड, उसका कोई ड्राइविंग लाइसेंस, कोई पहचान नहीं लगे। एक व्यक्ति दिन में 50 बार 100 बार जितनी टाइम हो उसके पास क्षमता के साथ 2000 का नोट जाके बदल सकता है। तो फिर इस खेल का मतलब क्या? 2000 का नोट छापने में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, आपके मेरे टैक्स के पैसे हैं, मतलब क्या? क्यों खेल किया गया ये आपके साथ? देश में तरह तरह की बातें चल रही हैं। विपक्ष मजबूत होने की कोशिश में है। नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस से कर रहे हैं, केजरीवाल से कर रहे हैं, तमाम विपक्ष के लोगों से बात कर रहे हैं। एक मुद्दा बन रहा है कि विपक्ष अब इस तरह की रणनीति बनाए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रत्याशी के खिलाफ एक लड़े। ये सारे मुद्दे देश के इकट्ठे थे तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के पास लेके चलूं जिसके पास इन सारी बातों का जवाब हो। तो मैं आज आपको ऐसे शख्स के पास लेके चल रहा हूं जो ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन PA का सालों साल तक जनरल सेक्रेटरी रहे। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जो संपादक होते हैं उनकी संस्था होती है। सोचिए मीडिया की कितनी ताकतवर संस्था है, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादक। और आपको याद होगा अपने तिहाड़ी बाबू सुधीर चौधरी जी, एक बार जब रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तब वो GTV के संपादक हुआ करते थे। तो आज तक के चैनल में एक मीटिंग हुई, मैं जिन सज्जन से NK सिंह जी से आपको मिलवाने जा रहा हूँ ये जनरल सेक्रेटरी थे। आज तक के दफ्तर में मीटिंग हुई, मीटिंग में तय किया गया इतना भ्रष्टाचारी पत्रकार हमारी संस्था का मेंबर नहीं हो सकता। तो NK सिंह जी ने और बाकी टीम ने, जिसमें राजदीप सरदेसाई भी थे, राहुल कंवल भी थे, आज तक के इन लोगों ने उसको निकाल दिया। आप विडम्बना देखिए कि वो उसी चैनल का आज तक का ब्रांड एम्बेसडर हो गया। तो ये सारी बातें मुझे लगा कि मैं NK सिंह जी से आज पूछूं कि देश के हालात क्या है, क्योंकि NK सिंह जी, मैं कह सकता हूं, दावा कर सकता हूं, देश के सबसे ईमानदार सबसे योग्य पत्रकारों में से एक हैं। आप देश और दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में उनके आर्टिकल पढ़ते रहते हैं, हर चीज पर उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। तो मैं समय नहीं लेता हूँ, सीधे चलते हैं हम NK सिंह जी के पास। स्वागत है NK सिंह जी आपका। मेरे दर्शक ये लगातार मांग करते रहते हैं कि देश में जब जटिल मुद्दे हो जाएं तो आपसे बातचीत की जाए। लोगों को ये यकीन होने लगा है कि जो चीज़ें बिगड़ेंगी या तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी आप दे सकते हैं। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही लोगों को। पहले तो ये समझ में नहीं आ रही कि 2000 का नोट जारी क्यों किया गया था, जारी किया गया तो बंद क्यों किया गया, और फिर जो मीडिया के तमाम चैनल बड़े खुश होकर बता रहे थे ये सर्जिकल स्ट्राइक है, ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन तब तक बैंक की तरफ से सूचना आ गई कि आपको कोई पहचान पत्र नहीं देना, आप जाइए और 2000 के बस एक बार में 10 नोट बदलने हैं, चाहे 1 घंटे बाद फिर आ जाइए। तो जब कोई पहचान ही नहीं देना, मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ अगर ब्लैक मनी है, मेरे को पहचान नहीं देना, मैं आराम से नोट चेंज करा सकता हूँ, तो इन नोटों को छापने में भी करोड़ों रुपये खर्च हुए होंगे। तो ये क्या देश की अर्थव्यवस्था पे जब नोट बंद होती हैं तो पूरी दुनिया में ये संकेत भी जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी करेंसी कभी भी बंद हो जाती है। तो क्या देश चलाते समय ये कोई मजाक सा चल रहा है, कभी नोट शुरू हो जाएगा, कभी नोट बंद हो जाएगा, क्यों करती है सरकारें ऐसा? ये जो फिस्कल पॉलिसीज होती हैं, ये
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दो जो जो आपने पिछला वाला नोटबंदी था उसमें इसमें एक बेसिक अंतर है कि उस वाले में सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, उस वाले में तो रिजर्व बैंक को भी नहीं मालूम था। रिजर्व बैंक की एक कमिटी होती है जो कि इन चीजों को डिसाइड कर, उस कमिटी को भी नहीं मालूम था कि हम ये करने जा रहे हैं और ये कब अनाउंस होने जा रहा है। तो वो जो था वो एक अलग था। ये जो फिस्कल पॉलिसी है इसमें मुझे लगता है कि ब्लैक मनी जो है कुछ लोगों के पास, देखिए इसमें बड़ा भारी खेल है कि अब ये कुछ नहीं करेंगे, ये अपने लोगों को लाइन में खड़ा करा के और वो 2000 के नोट कन्वर्ट करा, गुरु पतवारू सबको आपने पांच पांच नोट दे दिए और कहा कि लौट के आओगे तो 100 का पत्ता तुम्हें दिया जाएगा। कितना इजी होगा ये। तो फिर आपने वो जो पॉलिसी का ये किया था, अच्छा पहले शुरू में ये लगा, गवर्नमेंट ने भी कहा कि इससे सब आइडेंटिफाई हो जाएंगे जो लोग कन्वर्ट करा रहे हैं, बाद में हम उनसे पूछ सकते हैं। ये बात उन्होंने तब भी कही थी, पिछले नोटबंदी में भी कही थी। हकीकत ये है कि कोई भी अपना डायरेक्ट अकाउंट से नहीं कराएगा, वो कुछ नहीं करना है, हर आदमी के पास अकाउंट है। पांच नोट ले जाके अपना एक आदमी लगा रखा है, वो जाता है, वो जाके ले आता है, कोई उसका लिए वो नहीं है। और पांच नोट तो कोई भी रख सकता है ना, पांच नोट कितना होता है, अब तो तो 10 फुट पांच भी पांच कह दिया, नोट 10 फुट कह दिया है, दो वही हजार के हम, दस हाँ वही हम कह रहे हैं कि पांच दस नोट कितनी चीज होती है। तो आप रोज जाके बदलवा ले, आपके पास 130 दिन का विंडो है। तो और ऐसे आप पांच आदमी लगा दीजिए, 50 लगा दीजिए, बड़े यार, तो आपका पर्पस फिर डिफीट हो रहा है। आप तो ऐसे ही आप खुद ही कह रहे हैं कि ये जो करेंसी हमारे इस डिनोमिनेशन की आई थी इसको हमने रिड्यूस करते करते 4 साल से तो छाप ही नहीं रहे हैं, तो अब ये जाके हमारी सिर्फ 10% टोटल उसका वॉल्यूम का 10% रह गई। तो भाई जब 10% रह गई है तो इसको और कम कर दो, 5% कर दो इसमें क्या। ऐसे ही तुम अगर नहीं छापोगे तो ऐसे ही, अच्छा मनी वो जो पुराने नोट होते हैं वो वापस होते हैं तो नॉर्मल कोर्स में वापस हो जाएंगे, स्वाइल होंगे, खराब होंगे, वो वापस होंगे, तो ये तो ऐसे ही फेज आउट हो जाएगा। इसके लिए वो तो कहिए कि मोदी जी ने अनाउंस करके राष्ट्र के नाम नहीं कहा आज रात के 12 बजे, वो जो उनका स्टाइल है, वरना मुझे डर लगा कि ये अब की बार ये ना कहे। तो खैर वो नहीं कहा है, एक विंडो दे रखा है, लेकिन इससे जो पर्पस है वो कहीं से भी सर नहीं होने जा रहा है। तो फिस्कल पॉलिसी की अगर आप इस तरह की वो है मॉनेटरी पॉलिसी की कि आप फिर से कुछ नोटबंदी कुछ नई चीज ले आके कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ की जगह जो करप्शन जहां है आप उसको पकड़े बजाय इसके कि नोट के पीछे पड़े, क्योंकि नोट से ये नहीं खत्म होगा। आपके सामने करप्शन हो रहा है, आपके सामने एक जूनियर इंजीनियर से लेके इंजीनियर के यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मकान जो आलीशान बनवाया है वो किस कमाई का है। इसके लिए आपके पास ऑर्गन है और आपके पास पूरी बॉडी है जो ये पता कर सकती है। अगर केंद्र सरकार का है तो सीबीआई उसके लिए है, राज्यों में भी आपके विजिलेंस बॉडीज हैं और फिर लोकायुक्त है। आप ये सारी चीजें है ना, आपने सीबीसी रखा है, तो फिर आखिर दिक्कत क्या है। तो हकीकत यह है कि आपका इरादा वो नहीं। आप जरा सोचिए, सिंगल डायरेक्टिव 1998 में खत्म किया गया। सिंगल डायरेक्टिव ये था सीबीआई एक्ट में, ये जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है इसमें सेक्शन 6 ही है, इसके तहत आप किसी भी ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव रैंक के लोग को इंक्लूडिंग मंत्री, आप कोई भी केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते उसके खिलाफ जब तक सरकार का परमिशन ना हो। जरा सोचिए कितनी बेहूदगी का ये होगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, एक बार हटाया तो उसको सीबीसी में लाया गया, फिर उसको हटाया, लेकिन आज भी वो बदस्तूर कायम है कि नहीं साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव कोर मंत्री जी को बिना सरकार के परमिशन के आप नहीं करें। तो करप्शन आप चाहते कहां है खत्म, चाहते तो वो तो 2 मिनट पे आप, अगर स्टेट चाहे ले तो ठीक बात ये है, खत्म होना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो उसी नहीं है, तरह आप हर बार क्या कर रहे हैं, विच हंटिंग कहते हैं इसको,
कि चोर पकड़ना है पकड़ना है, वो भागा वो भागा वो भागा, ये करके आप ड्रामा कर रहे हैं। एक्चुअली आपने करप्शन, क्योंकि आपके सारे लोग, ये जितने भाजपा में पूरे के पूरा ये सिस्टम है, गौर से देखिए, यही लोग तो वो सब धंधा कर रहे हैं। तो हाँ लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि इससे करप्शन खत्म होगा, और करप्शन खत्म होगा तो आपके लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइए, आप सरकार को पूरी तरह जानते हैं, आप तमाम बड़े चैनलों के संपादक रहे हैं, सरकार के बहुत करीब से आपने देखा है, अध्ययन किया है। प्रधानमंत्री जी के प्रमुख सचिव नृपेन मिश्रा जी का एक बयान आया है कि प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे कि 2000 का नोट छपे, 2000 का नोट मार्केट में आए। क्या ये संभव है कि इस दौर में प्रधानमंत्री ना चाहें और किसी की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो 2000 का नोट छाप दे? दीपेंद्र जी से यही पूछ लिया जाए कि दीपेंद्र जी आप तो छोड़ दीजिए, आप तो उस समय पीएमओ में शायद थे, अरुण जेटली को ये पूरा मालूम था इसके बारे में, क्या फाइनेंस सिस्टम को किसी को मालूम था? अगर उनसे पलट के पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे, अरे आप डिफेंड करने के लिए कोई और तरीका निकालिए, ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स है जो वो अभी भी ताली बजा रहे हैं, कम से कम आप जिंदगी के उस मकाम पे पहुंच गए हैं, और अब तो उनके पास एक बड़ा अच्छा भव्य मंदिर बनाने का जिम्मा भी है, तो कम से कम उसी को देखें, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर के लिए तफली बजाएं और ताली बजाएं। गरिमा में नहीं लगता है, हम उनको एक अच्छा अधिकारी समझते हैं, लिहाजा कम से कम अब, अभी इसके पहले भी एक स्टेटमेंट आया था, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के को बचाने के लिए बैटिंग करना छोड़ के ये लोग अब जिंदगी के उस मकाम पे है जिसमें कम से कम जाए तो लोग कहें कि हाँ भाई व्यक्ति अच्छे थे, और व्यक्ति अच्छे थे और तन के रहते थे। अरे रीढ़ नहीं है ब्यूरोक्रेसी के, तो सभी जानते हैं, और मोदी ने वो रीढ़ खत्म कर दी है, उसके बाद भी आप डफली बजा रहे हैं तो थोड़ा शर्मनाक लगता है। खैर ये उनका अपना निजी मामला है। उनके बेटे को एमएलसी भी बना दिया है उत्तर प्रदेश से इस बार बीजेपी ने, नृपेन नहीं, शर्मा। आप देख रहे हैं कि वर्दी पहना आदमी कल तक जो वर्दी पहन के और सरकार का कॉन्स्टिट्यूशन बचाता रहता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है, अचानक इस्तीफा देता है और वो एमएलए का चुनाव लड़ता है, मंत्री बन जाता है, किस तरह का सिस्टम है? कम से कम उसको 3 साल तो आप रोकिए, 3 साल कूलिंग ऑफ रखिए उसको, कि नहीं ये अगर आईपीएस है या आईएएस है, कैसे उससे हम भरोसा रखेंगे कि वो कल तक तो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे करता था। अरे वो डफली तब भी बजाता था, आज भी बजा रहा है। तो अब तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी से समाज को घृणा होने लगी है, कि कम से कम कुछ तो रीढ़ होनी चाहिए थी। और ये सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इतना रीढ़ विहीन हो गई है, तो लिहाजा इनके ऊपर कमेंट करना कि कोई पीएमओ में रहा है वो क्या कह रहा है क्या नहीं, मुझे तो बन लगता है कि मेरे गरिमा के खिलाफ है। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर ब्यूरोक्रेसी को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कुछ बड़े चर्चित फैसले देते हैं और अगले दिन राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। जी हाँ, ये मुझे जब भी कभी मोदी जी के बारे में, उनके गवर्नेंस के बारे में जानना होता है, तो मेरे पास एक बाइबिल है, मैं उसको जब पढ़ता हूं तो ये समझ में आ जाता है। वो बाइबिल है ये मैन कांफ, ये हिटलर की किताब है, उसकी अपनी है लिखी हुई। तो मुझे जरा सा भी कोई पॉलिसी या उसके बारे में कंफ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम इसको पढ़ के 4 पन्ने पलट लेते हैं और मुझे उसका आंसर मिल जाता है। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा है। और आपने जब कहा कि देश की हालत के बारे में बात करेंगे, तो मैंने कहा कि देश का हालत मतलब गवर्नेंस, तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे से पढ़ ही रहा हूं कि जरा निकाला जाए। तो उसमें बड़ा बढ़िया आपको एक चीज बताए, आपने अभी तक चर्चा नहीं की, शायद अगले भाग में करते, लेकिन मैं अभी ला दे रहा हूं। एक संसद नई बन रही है, कितनी जरूरत थी कितनी नहीं थी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन क्योंकि मैं संसद में एक दशक तक वहां रेगुलर रोज जाता रहा हूं, मुझे नहीं लगता था कि इसकी जरूरत होगी, उतना भव्य इमारत फिर शायद ना बने, उसी को आप मजबूत करवा देते, लेकिन खैर आपने बनवाया। आप जरा सोचिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 79 में संसद की परिभाषा है, जानते हैं वो परिभाषा क्या है? आपके व्यूअर्स को हम चाहते हैं कि वो बता दे
व्यूअर्स भी समझ जाए संसद किस चीज से बनता है। भारत का संसद, देयर शेल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शेल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। ये जो संसद होगा ये बनेगा राष्ट्रपति से और दो सदनों से, जिसमें एक सदन का नाम होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे का लोकसभा। राष्ट्रपति के बिना संसद नहीं हो सकता, उसके बिना सोचा ही नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं कि एक संसद की इमारत बन रही है, कई हजार करोड़ रुपए लग रहे हैं, और उसका उद्घाटन कौन करेगा? हालांकि ये चर्चा हम लोग को पहले करनी चाहिए थी, राहुल गांधी के इसको लाने के पहले हमने अपनी आप मुझे अपने पे आत्मग्लानी हुई आज। कल से मैं बड़ा परेशान हूं कि ये बात तो हम लोग को समझनी चाहिए थी, संजय शर्मा को समझनी चाहिए थी, राहुल गांधी ने इसको रेस किया है, जबकि ये हम लोग का काम है, हम लोग को रेस करनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग फेल हो गए, शायद हम लोग इंटेलेक्चुअली इसको नहीं समझ पाए। तो खैर, मेरी आदत नहीं है कि राहुल गांधी कुछ कहे तो हम उस पर कमेंट करें, लेकिन ये चूंकि मुद्दा सीरियस है, देश का प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कैसे कर सकता है? वो हाउस का एक अदना मेंबर होता है जो कि लीडर ऑफ ए हाउस होता है। प्राइम मिनिस्टर इसलिए होता है कि वो लीडर एक हाउस का होता है, सिर्फ इसलिए होता है, और एक ही हाउस का होता है, दूसरे का। आप संसद बनवा रहे हैं और संसद बनवा के ताजुब हो रहा है कि देश की राष्ट्रपति है, और वो भी ट्राइबल, उससे आप ही इलेक्शन चुनाव मंचों से कहते हैं कि हमारी राष्ट्रपति ट्राइबल उससे है, हमने दिया है, इसके पहले हमने दलित दिया, ये सब आप ही तो कहते हैं ना। तो आज जब आपको संसद का उद्घाटन करना है तो कूद के आप खुद करेंगे, राष्ट्रपति से नहीं करवाएंगे, जो कि संसद का अपरिहार्य अंग होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता उसका अंग। संसद माने प्रधान, राष्ट्रपति और दोनों सदन, ये उसकी परिभाषा आर्टिकल 79 में है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह क्या है, हिटलर को इसका बड़ा शौक था कि इतिहास में उसे अच्छी तरह दिया जाए। तो जब उसने लगभग दुनिया मतलब लगभग जीरो फ्रांस पे भी कब्जा कर लिया था, वो तो रूस में मार खाया, तो जब फ्रांस पे, या यूं कहिए कि अमेरिका जब बम बम गिराया जापान पे, तो वो एक अलग किस्सा है, लेकिन वो फ्रांस गया, 23 जून की बात है 1940 की, फ्रांस उसके कब्जे में आ गया था। फ्रांस गया ये देखने कि नेपोलियन का मॉन्यूमेंट कैसा बना है, नेपोलियन के को याद करने के लिए लोगों ने क्या क्या बनवाया है। तो फिर उसने वापस आके कहा कि मेरे जिंदगी का ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण था कि हमने नेपोलियन का वो मॉन्यूमेंट देखा, पर्पस ये था कि हम ऐसा ही अपना भी बनवाएंगे। तो ये एक खास टिपिकल स्टाइल बना स्थिति होती है, एक खास किस्म के गवर्नेंस में, जिसमें कि आप मॉन्यूमेंट, ताकि इतिहास में जाए तो कहें कि ये जो भव्य इमारत देख रहे हो, ये एक प्रधानमंत्री आए थे मोदी, वो जो दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे, उनका बनवाया, उनका उद्घाटन किया हुआ, या उनका बनवाया, कुछ दिनों में ये भी आएगा कि ये उनका बनवाया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि एक टिपिकल साइकोलॉजी होती है, मानसिकता होती है, जिसमें ये गवर्नेंस चल रहा है, तो इसमें यह भी बनेगा। आप सोचिए कि पार्लियामेंट, इससे बढ़िया गरिमा में क्या होता। आप उस पार्लियामेंट में जब पहली बार गए थे तो उस पे सजदा किया था ना आपने, आपने सर झुका के साष्टांग दंडवत किया था। तो आज कम से कम उस पार्लियामेंट के लिए भारत के संविधान ने जो कहा है वो याद रखते हैं, आपके राष्ट्रपति के साथ ही पार्लियामेंट सोचा जा सकता है, उसके अलावा नहीं। और आपके पास महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, आपने उससे नहीं करवाया, तो मतलब ये देख के एक साइकोलॉजी समझने में बहुत दिक्कत नहीं होती है। मोदी जी को गवर्नेंस को समझना हो तो बहुत गणित लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक सेट फॉर्मेट समझ लीजिए, फिर आप मोदी जी के गवर्नेंस को समझ लेंगे। हाँ, मैंने वो सतपाल मलिक जी का जब इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपके तो मोदी जी के बड़े करीबी रिश्ते रहे, आप घंटों घंटों बात करते थे, तो आपका आकलन क्या है? तो उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा वो आत्मुग्ध हैं, वो
तो वो जो लाइन आपने अभी जितनी चीजें बताई हिटलर वाली, वो मुझे सतपाल मलिक जी की याद आई, उन्होंने कहा था कि ये आत्मुक्त है। दूसरे विषय में बात करता हूँ एनके सिंह जी, कर्नाटक में प्रयोग एक हुआ जय बजरंग बली, और आमतौर पर हर राज्य में ये प्रयोग होता है धार्मिक उन्माद के लेके एक उफान आता है, लेकिन कर्नाटक में हमने देखा ये कार्ड चला नहीं। कुछ राज्यों में और चुनाव हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आपको क्या लगता है कि अब ये जो धर्म के नाम पर उफान है, क्या ये कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, भाजपा इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता खोजेगी, या अभी इसको नए सिरे से इन चुनावों में फिर गर्म किया जाएगा? नहीं, ये आप भूल जाइए, ये आपने कहा, ये मैं आज गारंटी लिख के दे देता हूं, धर्म कभी नहीं छोड़ा जाएगा, बड़ा पे करता है ये, अरे साहब मुफ्त का देता है ये, खाली एक मंदिर बनवा दीजिए, कभी बजरंग का नाम ले लीजिए, कभी इस तरह के सोसेबाजी करते रहिए, और बताइए मेरा भारत महान है, मेरे देवता महान है, इस धंधे का तो तोड़ ही नहीं है। इसके लिए फिर मैं वही हिटलर के उस किताब पे आऊंगा, ये पेज नंबर है 180, इस पे कहा गया है, ऑल प्रोपोगंडा मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ए पॉपुलर फॉर्म एंड मस्ट फिक्स इट्स इंटेलेक्चुअल लेवल सो एज नॉट टू बी अबव द हेड ऑफ द लीस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ दोस टू हूम इट इज डायरेक्टेड। जितने भी प्रोपोगंडा आप कीजिए, ध्यान रखिए कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ऊपर ना हो, ये जो सामान्य लोग हैं ये उनके लिए करिए, ये ऊपर वाले छोड़ दीजिए, जो एमके सिंह और संजय शर्मा सब करते रहते हैं फालतू, इनका इनको कोई सुनता उनता नहीं है, ये नीचे वाले इंटेलेक्चुअल जिनका कम इंटेलिजेंस है ये उनके लिए कीजिए। मोदी जी और भाजपा कभी भी धर्म नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो एक और कभी मौका मिलेगा तो पवन सुत एक और ले आएगी, अगर पवन सुत नहीं मिलेंगे तो कोई अग्निपुत्र मिल जाए, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकती। और यही हम जब इस किताब को पढ़ते हैं तो बड़ा समझ में आता है, ये कभी नहीं छोड़ने जा रहे हैं, ये जो वहां पे फेल हुए हैं ये तो वो इलाका है, यहाँ पे ये फेल होता ही नहीं, और ये फेल नहीं होगा जब तक कि संजय शर्मा और एनके सिंह इनकी चेतना के स्तर को नहीं बढ़ाएंगे, और वो बढ़ाने में हमारा दायित्व है, वो हमारा आपका नैतिक दायित्व है कि हम इनकी चेतन इनकी समझ को बेहतर, वरना वो प्रोपोगंडा से सब कुछ कर ले जाएंगे, और हो सकता है कि आपको गाली दे सड़क पे, लो कह रहे ये नहीं जानता है, मोदी तो भगवान है, इस मूर्ख को क्या मालूम है, वो हमको ये कहेंगे, लेकिन क्या इससे हम छोड़ दे, उनको हम समझाना नहीं छोड़ेंगे कि मूर्ख हम है ये मान लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई तुम्हें मूर्ख बना रहा है ये हम बता रहे हैं, तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं लगी, तो वही इसमें मैनफेस्ट में हिटलर ने यही कहा कि अरे भाई प्रोपोगंडा होना चाहिए वो कॉमन मैन के लिए, ये इंटेलेक्चुअल फैक्टर जो घूमते रहते हैं ना सड़क पे, इनको छोड़ो भूल जाओ इनको, ये फालतू लोग हैं। तो हम लोग को आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता मोदी जी का, हम कई प्राइम मिनिस्टर्स के साथ विदेश गए हैं, हम कई प्राइम मिनिस्टर के साथ व्यक्तिगत रूप से, और खैर व्यक्तिगत रूप से मैं इनको भी जानता हूं, ये भी मुझे जानते हैं, लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दिया, मीडिया को साथ ले जाना बंद कर दिया, और एक डिस्टेंस बना लिया, वन वे ट्रैफिक कर दिया, मन की बात करेंगे ताकि कोई काम की बात ना पूछे, वन वे ट्रैफिक में मन की बात होती है, लेकिन उधर से काम की बात कोई पूछेगा वो नहीं करता है, तो लिहाजा ये एक अलग फॉर्मेट होता है, और वही बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है आपको सवाल पूछना ही नहीं होगा किसी से, और मैं तो जनता को भी कहता हूं यार ये किताब पढ़ लो, मुझे बहुत सीरियसली लग रहा है कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके और जनता में भेज दिया जाए कि पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाए कि गवर्नेंस होती कैसे है, प्रेजेंट गवर्नेंस कैसे चल रही है, तो ये स्थिति है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, एक फैसला दिया, बेहद मतलब कि मुझे कभी कभी शर्म आती है कि आर्टिकल 239 AA सब क्लॉज 4 अगर आप देखें दिल्ली की गवर्नेंस के बारे में, वो खुद ही अपने आप पे क्लॉज सुप्रीम कोर्ट को करना तो ये चाहते उसको स्ट्राइक डाउन कर दे, लेकिन पुनर्परिभाषित किया, उसने कहा कि देखो भैया ये फेडरल है, एक आदमी 67 सीटें 70 में से लेके आता है, 50% वोट लेके आता है, 60 में 70 में 67 सीटें,
दोबारा 67 में 62 सीटें, लेकिन चपरासी नहीं अपॉइंट कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने डांटा और कहा कि नहीं, सारे जो इस तरह के वो होंगे, ब्यूरोक्रेसी जो होगी, इनके ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार करेगी। अगले दिन आप ऑर्डिनेंस लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं तुम्हारी क्या हैसियत, इल्ले नहीं करेंगे, और एक ऑर्डिनेंस लाती है। कितना जज्बा आप देखिए कि एक अपने विरोधी को क्रश करने का। सत्येंद्र जैन की आप हालत देख रहे हैं, वो व्यक्ति कंकाल बन गया है, आपने जेल में उसको ये हालत कर दी। तो ये साधारण शत्रु नहीं है, ये आपको तिल तिल करके मार सकते हैं। लिहाजा हमें समझना चाहिए कि इसकी प्रकृति क्या है, इस गवर्नेंस की प्रकृति क्या है। और तब जब आप इसको समझ लेंगे, आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, छोटा मोटा नहीं, 5 मेंबर बेंच ने कहा कि भाई फेडरल कंसेप्ट है, वो जनता का वोट लेके आ रहा है दो दो बार से, तुम भी तो जनता का वोट लेके पार्लियामेंट में बैठे, किसी को बोलने नहीं देते। लेकिन वो इशू नहीं है। इशू क्या है कि मेरे पास पावर है ना, अब देख सुप्रीम कोर्ट तुझे दिखाते हैं अपनी ताकत, और वो ऑर्डिनेंस दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं जनता को यही बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो समझ क्यों नहीं रहे हैं, ये जय श्री राम से नहीं भला होने वाला है। एक इमारत बन जाएगी उससे कुछ नहीं, एक पार्लियामेंट बन जाएगा और देश उसी तरह, एक विदेश जाते हैं तो एक कोई वो है वो पैर छू लेता है, और इनके भक्त चैनल 3 दिन से वही दिखा रहे, 2 दिन से वाह साहब मोदी जी का किसी ने पैर छुआ। आप जरा सोचिए मानसिक दिवालियापन किस तरह का है। बताइए कि आपने जो किताब पढ़ी, इसमें हिटलर ने एक मिनिस्टर था, वो प्रोपोगंडा मिनिस्टर था, वो तो उसका काम ही प्रोपोगंडा फैलाना था। तो ये जो आजकल के चैनल की बात की आपने, तो हम ये मान सकते हैं ये प्रोपोगंडा मिनिस्टर हो गए हैं। हाँ जी जी जी, ये पूरे प्रोपोगंडा मिनिस्टर नहीं है, वो एक मिनिस्टर, एक आदमी उस जमाने में होता था, अब पूरा सिस्टम ही मिनिस्टर हो गया है। अब वो पूरा का पूरा एक ग्रुप है और उसके अलग जो है वो किनारे पड़ा हुआ है, लेकिन क्या वो अपना काम छोड़ दे? यही पे वो पेज है कि हम अपना काम करते रहेंगे, ये हमारा दायित्व है कि हम समाज को बताएं कि तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। सिर्फ हमें ये बताना है, जो लोग सत्ता में बैठे उसकी मलाई खा रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हें राम नाम के ऊपर बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये एक टिपिकल फॉर्मेट है, जब जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उस दिन चीजें जनता बदल देगी, और बदलने में बहुत फास्ट होता है। कर्नाटक में हमने देखा, आज तक साउथ इंडिया में आप घुस नहीं पाए हैं, सिर्फ थोड़ा सा एजुकेशन लेवल हाई है, थोड़ा सा गवर्नेंस बेटर है, तो आप घुस नहीं पाए हैं, और जब जब जाते हैं लात खा के चले आते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां की जनता आपके नाटक को जान गई है। हमारे अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा वर्ग है अभी वो नहीं समझ रहा है, और उस बीच में आपकी कोशिश होगी कि प्रोपोगंडा इतना बड़ा कर दे कि वो विदेश में किसी ने पैर छुआ है तो अब यहाँ तो हमारा भगवान ही है वो। तो हम किसी तरह से ये आइकॉनिक, ये इसका प्रोसेस होता है कि हम अपने में आइकॉन बना ले, महिमा मंडित इतना कर दिया जाए कि रब दिखने लगे हमें हमारे नेता ने, और ये कोशिश ऑलरेडी चल रही है, पता नहीं कितनी सफल होगी। आखिरी चरण में मैं ये और पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल एक फोरम पे आ जाएं, बीजेपी के मुकाबले एक के मुकाबले एक प्रत्याशी हो, क्या ये कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? जी हाँ, उसकी एक शर्त है। आप यूं देखिए कि ममता बनर्जी, मान लीजिए कि कांग्रेस को आप छोड़ के अगर करना चाहे, तीसरा फ्रंट कहते हैं जो कि संभव नहीं है, फ्रंट एक ही बन सकता है और उसके मूल में, उसके जो सेंटर में होगा वो कांग्रेस होगा, क्योंकि 12 करोड़ वोट गिरे दिनों में भी कांग्रेस को मिलते हैं, पैन इंडियन प्रेजेंस कांग्रेस का ही है, लिहाजा वो मूल आधार रहेगा और उसके इर्द गिर्द रीजनल पार्टीज रहेंगी, यही हो सकता है। वजह हम बताते हैं क्यों, ममता बनर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा जाए, समाजवादी पार्टी को यूपी में 4 वोट नहीं दिलवा सकती, अखिलेश यादव सर पटक के रह जाए, केरल में 3 वोट सीपीएम को नहीं दिलवा सकते, तो ये किस आधार पे होगा?
जब आप क्विड प्रो को होता है ना, तो अगर आप ये वोट ही नहीं दिलवा सकते तो ये बैठ के तो कर लीजिए, तो चाय पी लीजिए, साथ में फोटो खिंचवा लीजिए। इसलिए कांग्रेस को आपको सेंटर में रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? लोकसभा में 2:1 रहेगा। मान लीजिए कि अगर लोकसभा में जो सीटें हैं किसी राज्य में, उसमें दो मतलब कि 66% कांग्रेस को जाए, 33% 34% बाकी पार्टीज को, जो रीजनल पार्टीज उनको जाए, और यही फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा राज्यों में। यही फॉर्मूला चल सकता है, क्योंकि अगर आपको मोदी के साथ लड़ना है तो कांग्रेस को छोड़ के आप नहीं कर सकते। थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, ये सब बकवास है। लिहाजा फॉर्मूला एक ही हो सकता है, कांग्रेस को ध्रुव में रखे। और आप याद ध्यान रखिएगा, देश के सारी रीजनल पार्टीज को जोड़ दीजिए, जितना वोट मिलता है उससे अकेले कांग्रेस को ज्यादा मिलता है। ठीक बात है, बिल्कुल लिहाजा लिहाजा आपको ये भूलना नहीं चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब पता लगा कि इसमें अखिलेश यादव नहीं गए, ये शपथ ग्रहण। तो अगर इस तरह की हरकत अखिलेश यादव करेंगे, मायावती को तो हम जानते हैं कि वो नहीं जाएंगे, उसके कारण दूसरे हैं। लेकिन अगर ये करेंगे तो एक फिर बचकाना कर रहे हैं, बचपना है। और अखिलेश यादव को अभी मैच्योर होना पड़ेगा इस पूरे प्रवाह में। इनसे ज्यादा बेटर कर रहे हैं बाकी लोग, इस समय जो तेजस्वी कर रहा है वो इनसे ज्यादा अच्छा कर रहा है। इसलिए अखिलेश यादव को भी ये समझना पड़ेगा कि आपकी पॉलिटिक्स या तो डर के आप चुप होके बैठ जाए, या आपके भीतर भी कोई चोर है जिस पर डर रहे हैं। और अगर ये नहीं है तो आपको खुल के सामने आना पड़ेगा। मायावती नहीं आ रही है, हम जानते हैं उसके कारण, लेकिन कम से कम ये आरोप न लगे कि आप उसी डर से नहीं आ रहे। तो लिहाजा इस अपोजिशन का गंगा जो बहने जा रही है, इसमें आप पूरी तरह से आए और एक मुखर होके आए। क्या वजह है कि कर्नाटक में आप नहीं जाएंगे? इसलिए कि साहब मेरे पास बड़ा काम था, असल में मैं बिजी था। अरे क्यों, किसको बेवकूफ बना रहे हो अखिलेश जी? तो ये सब जो कर रहे हैं ये गलत है, आपको पूरी तरह से आना पड़ेगा। शुक्रिया। आखिरी सवाल एनके सिंह जी, 10 महीने बहुत, 11 महीने बाद चुनाव है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं चुनाव 10 दिन बाद हो, ये कल्पना करते हैं, थोड़ी सी काल्पनिक सवाल है, क्या लगता है आपको कि बीजेपी अपने पूरे बहुमत पे इस बार भी सत्ता पा लेगी, जो हालात है देश के? जी हाँ, उसका एक तरीका है भी। इस समय सरकार के पास सब्सिडीज कम हुई है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम नीचे आया है, और भारत ने रूस से लेके काफी पेट्रोलियम में माल कमाया है। मोदी जी के सारे दोस्तों ने कमाया है, अडानी अंबानी सब ने कमाया है। तो इस समय करीब टोटल मैंने जोड़ा था 3-3.5 लाख करोड़ की सेविंग हुई है इसकी वजह से। फर्टिलाइजर का सब्सिडी कम हो गया, मनरेगा में आपने 29-30 हजार करोड़ ऐसे ही कम कर दिया है, तो कुल मिला के आपका फिस्कल डेफिसिट आपका काफी कम हो जाएगा, तो इंटरनेशनल इमेज बनेगी। और दूसरा यह है कि जैसे ही चुनाव का आहट होने लगेगी, आप फिर से कोई सम्मान निधि दे देंगे किसानों को, आपके पास वो जो 3 लाख करोड़ है उसको लुटाएंगे आप जम के, जबकि आपने खुद ही कहा था रेवड़ियां नहीं बांटनी है, लेकिन जम के रेवड़ी बटेगी, क्योंकि 3 लाख करोड़ की कॉर्पस आपके पास इस समय बचत के रूप में है। ना फूड सब्सिडी आपने खत्म कर दी, फूड सब्सिडी कम कर दी है, 5 किलो वाला खत्म हो गया। तो मैंने टोटल जो कैलकुलेशन किया, करीब 3 लाख करोड़ की बचत होने जा रही है जो कि ये इसमें खर्च करेंगे और जम के रेवड़ियां बांटेंगे। तो अब जनता को सोचना पड़ेगा कि ये रेवड़ियां लेके 5 साल सर झुका के जय श्री राम कहोगे, या अपने बेटे की नौकरी लगवा के सीना तान के रहोगे, भिखमंगे का समाज बनना चाहते हो, या सीना तान के आत्मनिर्भर भारत का वो बनना चाहते हो, नागरिक बनना चाहते हो, ये जनता को सोचना है। शुक्रिया एनके सिंह जी, आप वास्तव में इतने विस्तार से समझा देते हैं कि ये सारी बातें बहुत शीशे की तरह क्लियर हो जाती है। शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू। तो सुना आपने एनके सिंह जी से बातचीत, मुझको यकीन है कि आपके सारे बिंदुओं का इसमें जवाब मिल गया होगा। देश के जो हालात हैं, एनके सिंह जी ने विस्तार से बता दिया कि किस तरह अभी तो विपक्ष को कर्नाटक के चुनाव को रेवड़ियों से जोड़ने हैं, लेकिन 2024 से पहले ये बड़ी संख्या में रेवड़ी बांटने की तैयारी है। क्या होगा हम बताते रहेंगे, आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। अनुरोध है आपसे, हमारे सदस्य बनिए, इस वीडियो के नीचे लिंक है। कुछ अन्य राज्यों में हमारे चैनल हैं, 4PM UP, बिहार, गुजरात, कर्नाटक,
उन्हें भी सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू।